होशियार कछुआ और पतक। जंगल से कुछ दूर पर एक तालाब था। उस तालाब में कछुआ और बतख दोनों अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे। एक दिन बतख कछुए से कहता है, दोस्त मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ। बतख की बात सुनकर कछुए ने कहा, अच्छा तो मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ। तो ठीक है, हम इस पानी में एक प्रतियोगिता रखते हैं। पहले हम दोनों में से जो भी उस पार किनारे पहुँचेगा वही जीतेगा। इस तरह बतख और कछुआ प्रतियोगिता रख लेते हैं और प्रतियोगिता में कछुआ जीत जाता है। तब कछुआ बतख से कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ। कछुए की बात सुनकर बतख कहता है, ये पानी है ना, इसलिए तुम तैरते हुए भाग गए। इस बार हम पानी से बाहर जाकर प्रतियोगिता रखते हैं, तब देखेंगे कौन जीतता है। ठीक है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, जमीन पर भी मैं ही जीतूंगा। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू करने से पहले बतख दौड़ने लगता है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा था कि तभी रास्ते में भालू आता है। बतख भालू को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। भालू अपने पैर से कछुए को पकड़ लेता है। तब कछुआ भालू से कहता है, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें खाने के लिए पकड़ा है, ना कि छोड़ने के लिए। तभी कछुआ होशियारी से भालू से कहता है, तुम मुझे नहीं खा पाओगे क्योंकि मैं पानी से बाहर आने की वजह से सूख कर सख्त हो गया हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पीठ को दबा कर देख लो। भालू कछुए की पीठ को दबा कर देखता है। सही में ये तो बहुत सख्त है, अगर इसे खाऊंगा तो मेरे तो दांत ही झड़ जाएंगे। तभी कछुआ भालू से कहता है, मुझे पास के तालाब में ले जाओ और मुझे पानी से भिगा दो, तभी मैं नरम बन सकूंगा और फिर तुम आराम से मुझे खा सकोगे। भालू ऐसा ही करता है। कछुए को तालाब के पास ले जाता है। भालू कछुए को पानी में डुबोता है, पर भालू अपना पैर कछुए पर से हटाता नहीं। तब फिर कछुआ भालू से कहता है, मैं सब जगह अच्छे से भीग गया, लेकिन जहाँ पर तुमने पैर रखा वहाँ मैं अभी भी सख्त हूँ। ये सुनकर भालू अपना पैर हटा लेता है। जैसे ही भालू अपना पैर हटाता है, कछुआ तुरंत तैरता हुआ पानी में दूर निकल जाता है। अरे ये कछुआ तो बहुत होशियार निकला, इसने बहुत चालाकी से अपनी जान बचा ली। ये सोचकर भालू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तब कछुआ पेड़ के पीछे छुपे बतख से कहता है, दोस्त अब वो भालू जा चुका है, तुम भी बाहर आकर पानी में छुप जाओ। बतख भागते हुए पानी में जाकर कछुए से कहता है, तुम तो बहुत होशियार हो, आज तुमने अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली। आज के बाद मैं तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं लगाऊंगा। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी सूझबूझ और होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लोमड़ी की चुगली। एक घना जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था। एक दिन शेर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। बंदर शेर को देखकर नीचे उतरता है और शेर से पूछता है, अरे महाराज आप कुछ परेशान और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाँ मुझे भूख लग रही है और कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। मैं भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक चुका हूँ। महाराज मेरे पास कुछ फल है, अगर आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। हाँ जाओ जाओ, मुझे आज बहुत भूख लग रही है, फल ही खाकर अपना पेट भरूंगा। बंदर शेर को फल लाकर देता है। शेर फल खाकर बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी भूख मिटा दी, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उस दिन से शेर और बंदर दोनों साथ ही रहने लगते हैं। दोनों साथ जाते हैं, बातें करते हैं पूरा दिन। एक अच्छे मित्र की तरह बंदर और शेर साथ ही रहा करते थे। बंदर और शेर की इस दोस्ती पर लोमड़ी की नजर थी। इस बंदर की इतनी मजाल कि वह महाराज से दोस्ती कर रहा है। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा जिससे इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक दिन शेर के पास जाती है।
महाराज, आप क्यों इस बंदर से दोस्ती कर रहे हो? ये आपके बारे में बुरा भला कहता फिर रहा है। शेर आश्चर्यचकित होकर लोमड़ी से कहता है, क्या सच में? क्या वाकई मेरा दोस्त बंदर मेरी बुराई कर रहा है? जिस पर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बंदर कह रहा था कि आप उसके जैसे इस पेड़ से ऊपर पेड़ पर छलांग नहीं मार सकते। बंदर सारे जंगल में अपनी तारीफ कर रहा था। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी की बात पर शेर को विश्वास नहीं होता। शेर आकर ये सारी बात बंदर को बताता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। बंदर साफ इनकार कर देता है। इस बात पर शेर को समझ आ जाता है और वो बंदर से कहता है, दोस्त, वो लोमड़ी चालाक है। वो अपनी बातों में हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहती थी। हम दोनों को मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, वरना उसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। महाराज, आप अभी भी इस बंदर पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर गुस्से से उससे बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो। मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकालता हूँ। अगर तुम फिर से मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी डर कर वहां से भाग जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी दूसरों की बातों पर आकर अपने दोस्तों पर